Never a door. Never a door. इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को कुछ ही दिन बीते थे कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए इजरायली क्षेत्र की ओर गोलीबारी कर दी। ऐसे में आईडीएफ ने हमास पर अस्थायी संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हमास ने युद्ध का उल्लंघन किया और इजरायली क्षेत्र की ओर गोलीबारी की, जिसके बाद आईटीएफ ने गाजा में आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इजरायल पर हमास के द्वारा हमला किया गया तो इजरायल ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। यही कारण है कि जब 7 अक्टूबर को हमास की ओर से मिसाइलें दागी गई तो इजरायली सेना ने हमास का नामोनिशान मिटा देने की कसम खाई। संघर्ष में एक तरफ है इजरायल की सेना और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास, जो फिलिस्तीन के पक्ष में है। ऐसे में 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस युद्ध में जहां संपत्ति का नुकसान हुआ, वहीं इस जंग में मासूमों ने अपनी जिंदगियां भी गंवाई। जब में ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ देखा गया कि कैसे लोग एक वक्त के खाने के लिए भी तड़पते रह गए, तो कहीं अपनी आंखों के सामने ही लोगों ने अपनों को खो दिया। 49 दिनों की जंग के बाद 7 दिन का विराम 24 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसे दो बार बढ़ाते हुए दर्जनों बंधकों की अदला बदली की गई थी। लेकिन इसराइल और हमास आतंकवादियों के बीच ये अस्थायी संघर्ष विराम 30 नवंबर को समाप्त हो गया।